अंधेरी। आपका ऑफिस है? हाँ ऑफिस ही जाऊँगा। ये की शूट है आज मेरे लिए, भरोसा नहीं है। स्वाद स्वा आजा यंत जय के चो भया दाता
हाँ पीछे से, हाँ पीछे से थोड़ा धीरे धीरे डालना, पटक से मत ये करना। हाँ Thank you.
इधर बैठ रहा हूँ, एक मिनट कट करना आप तीनों का फ्रेम, चारों का फ्रेम। जा जा। वो भी एक सेकंड दे। सुरुचि थोड़ा पीछे हो जाना। ष्यमिवा तो जाया शपोरकम्
हाँ पीछे से, हाँ पीछे से थोड़ा धीरे धीरे डालना, पटक से मत ये करना। हाँ आश्रय नक्षत्राणि नोपावश्मिनो
व्याप्तं वा इष्टान्येकाणं मोम इकाण सर्वलोकं वा इकाणं तीनों का फ्रेम चारों का फ्रेम जा वो एक सेकंड रुकी थोड़ा पीछे हो जाना एक मिनट बोले सर निकाल दो 23 है ना निकाल दो खराब लगता है।
श्रुति श्रुति वो 23 लिखा है ना पीछे, वो सही देखो। हाँ वो निकाल दो ना, निकाल दो। हाँ हाँ वो पलट गया है ना। हाँ ऐसा रखो, ऐसा रखो चलेगा। हाँ यहाँ पे सामने एक सेकंड। हाँ फील के लिए, फील के लिए कर देंगे कुछ। थैंक यू। Ready, ready, go. Look same. बहुत ही स्पेशल होता है एंड हम हर साल आपका बर्थडे भी देखते हैं एंड साथ ही साथ अभिषेक भी होता है जी। तो जरा सा कुछ बताइए कि कैसा होता है ये बर्थडे का एक्सपीरियंस।
एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, बहुत इंटिमेट है. ये रिचुअलिक ट्रेडिशन सा है एक्चुअली, जो मामा ने मेरी फर्स्ट बर्थडे से शुरू किया है. लेगेसी है टेक्निकली, नानी मामा फिर मैं, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑल आई फील. एंड इसलिए ये ट्रेडिशन दिल के बहुत करीब है, मेरी फर्स्ट बर्थडे से होता जा रहा है. एंड एक टाइम आया लाइक आई थिंक व्हेन आई वाज 16-17, तो ये पर्सनल जी चीज़ पब्लिक हो गई. एंड तब से हर बार आप लोग बहुत ज़्यादा वेलकम हैं इस लाइफस्टाइल में, इस दिन में, बिकॉज आई फील दैट फैंस एंड जिन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ दिस. जी बहुत प्रिंसेस लाइक फील होता है. एंड आई थिंक मम्मा और पापा के करने का इंटेंशन भी वही है, वो इस दिन को जितना खास बना सकते हैं बनाना चाहते हैं. एंड ये हमेशा से होता आ रहा है. आई थिंक मौत एंड ये सारी चीज़ें जो फिज़िकली एंड मटेरियलिस्टिकली दिखाई देती हैं, मम्मा और पापा का जो इंटेंशन है ऑफ मेकिंग मी फील अ सर्टेन वे आज के दिन, वो प्राइसलेस है. सो मॉम डैड की आपने बात की, हम देखे, हमने देखा कि जब से हम यहाँ पर है तब से वो बहुत ही एक्साइटेड है. जितना भी वेल ऑर्गेनाइज्ड थैंक यू किया हुआ है उन्होंने. सो जी बुलाना चाहेंगे आप? आई वुड लव टू. मम्मा पापा, पापा का है, पापा जी प्लीज कम. पापा यहाँ, अरे पापा नहीं, फ्रेम नहीं है, फ्रेम नहीं है, सामने आना. मैं वहाँ पे जी आज मूव आ जाइए. Thank you, Richard. Everyone squeeze in. हाँ जी, तो ये दिन, ये दिन कितना important होता है? बहुत important. बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा important है मेरे लिए, हमारे लिए, हम दोनों के लिए. आप कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, special है, आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, feel करने वाला दिन है. ये फील करने वाला फील करते हैं, लोगों को फील करा. एंड हमने देखा कि ढेरों सारे सस्पेंसेस वाले गिफ्ट आप लोगों ने ये ये इनकी बड़ी इच्छा है कि भाई जितने साल हो जाते उतने गिफ्ट हो. हाँ यार, सो 23 गिफ्ट्स थे इस बार. हाँ, हर बार जितने साल की होती है उतने सारे गिफ्ट देते हैं, और एक गिफ्ट मैं खुद अपने हाथ से बना के देती हूँ. मतलब एक बार बेस्ट है. थैंक यू बच्चे. तो हर बार मैं इसकी ज्वेलरी भी डिज़ाइन करती हूँ, मैं खुद ही डिज़ाइन करती हूँ. पर इस बार क्योंकि कोरोना के कारण कारीगर बाहर हैं और वो बना नहीं सकते थे, फिर भी बहुत प्रिटी बनाया है. तो वो सिंपल चेन है, तो मतलब उसको कोई डिज़ाइन नहीं किया था, वो तो बाजार की चेन है. और हम देख रहे हैं कि प्रिंसेस बना दिया है आपने अपनी डॉटर को. वो प्रिंसेस है, हमने बनाया नहीं. क्राउन है, उसकी भी हमने सुना है, कुछ हिस्ट्री है तो थोड़ा सा जरा उसके बारे में अगर आप बता सके. वो उसकी नानी, मेरी अम्मा ने उसे गिफ्ट किया है. या सो एक्चुअली ये फैमिली ट्रेडिशन है जो एक लेगेसी की तरह चला रहा है. सपोज टू बी बहुत ज़्यादा पर्सनल एंड प्राइवेट, बट अब कुछ चीज़ें पब्लिक हो चुकी हैं. बट ऑफ कोर्स ये क्राउन एंड ये ट्रेडिशन बहुत कुछ नानी के साइड एंड उस साइड ऑफ द फैमिली से आता है. एंड इसलिए ये क्राउन सिर्फ एक थिंग या यू नो, मैं इसे बहुत डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करती हूँ. बिकॉज जब भी मैं ये क्राउन पहनती हूँ फॉर सम रीज़न बड़ा रिस्पॉन्सिबल फील होता है. सो आई थिंक उस इंटेंशन से दिया भी गया है, बिकॉज शी जस्ट वांट्स मी टू बी रियली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. एंड सर स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं कि डे बाय डे आपकी डॉटर की पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है. अभी हमने एक सॉन्ग देखा टेंस मीम्स के साथ, वो सोशल मीडिया पर हम लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया. इंस्टाग्राम पर काफ़ी फैंस लोग फॉलोइंग है, सुबह से ही फैंस जो है इनका काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बर्थडे पर क्या करने वाले हैं आप, हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा. तो आप बताइए कि क्या फील करते हैं एज एन फादर? एक ही शब्द है, हीरे को क्या बनाएंगे? हाउ स्वीट. हीरा है सदा के लिए. हाउ स्वीट.
जी आपके एक्चुअली इस बार आई थिंक क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा रही है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे कि क्या इस बार भी आप पार्टी करेंगे एंड यू नो क्या सेम लेवल का गेट टुगेदर होगा. बिकॉज आई फील मम्मा पापा एंड हम सब ने एक कल्चर कह सकते हैं कि जब भी कोई खास मौका होता है वी ऑलवेज वांट इनवाइट पीपल बिकॉज हम सब इनफैक्ट इस थॉट में बिलीव रखते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं. सो एवरीवन हम बहुत वार्मली हर किसी को वेलकम करना चाहते हैं. दैट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फीलिंग. इस बार बिकॉज ऑफ कोरोना हमें लोग लिमिट करने पड़े. देर आर सो मैनी पीपल जिनके साथ मैं अपना बर्थडे मनाना चाहती हूँ बट हमें वो थोड़ा सा इस बार हेजिटेशन है बिकॉज ऑफ कोरोना. मैं ना ही किसी और को एडवाइस करूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ह्यूज गैदरिंग करें तो डेफिनेटली मैं खुद भी नहीं करूँगी. बट देन वी ट्राई टू डू अ लिटिल स्पेशल बिट. कोविड की वजह से हम सभी को आई थिंक प्रिकॉशन ले रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग. एंड हम देख रहे हैं कि आपके फैंस ने कुछ गिफ्ट किया है आपके लिए. जी आज के दिन आप गिफ्ट क्या किया, बड़ा क्रिएट कर दिया. हां एक्चुअली एक तो ये मैगजीन थोड़ा सा इसके बारे में हमें बता दीजिए कि सो बेसिकली ये और ये रिलेटेड है. सो आई विल एक्सप्लेन यू. आई थिंक दिस इज द स्वीटेस्ट थिंग जो वो कर सकते थे उन्होंने की है. ये एक डॉल ब्रांड है जो दिल्ली बेस्ड है. तो बेसिकली मिशू, दिस इज़ ह्यूज क्रेडिट्स टू मिशू और अंजलि. अंजलि जो मेरी टीम में है उन्होंने कोऑर्डिनेट किया. सो मिशू इज़ समबडी एडमायरर कह लो, अभी तो मुझे फैमिली ज़्यादा लगती है. तो उन्होंने मेरी टीम से बात की, दे सेट की यू नो बर्थडे हमेशा बहुत ग्रैंड सेलिब्रेट करते हैं, इस बार क्या होगा. तो वी वर इनफैक्ट बहुत ज़्यादा हम कॉन्टम्पलेट कर रहे थे, घर में भी वही डिबेट चल रही थी कि क्या होगा कैसे होगा एंड ऑल दैट स्टफ. सो दे केम अप विद दिस आइडिया एंड उन्होंने कहा कि नहीं, हम दिगंगना को एक सर्टन वे में देखते आए हैं तो हम एक डॉल बनाना चाहते हैं जो उनके नाम पर हम लॉन्च करें. तो इनिशियली मुझे लगा कि वो एक डॉल बनाकर मुझे गिफ्ट कर रहे हैं, बट देन दिस इज़ एक्चुअली एन एंटायर लाइन. सो अगर आप ये डॉल बाय करना चाहते हैं, इट्स वेरी मच अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन एंड दिस इज़ वेरी स्वीट. ये उनका आइडिया था पूरा लिखना कि नहीं, विल कॉल इट प्रिंसेस दिगंगना बिकॉज यू नो दैट्स हाउ वी सी यू एंड दैट्स एग्जैक्टली वाई परफेक्ट वेमेन की टीम ने बात की एंड दे वर लाइक सिंस इट्स योर बर्थडे विल डू अ स्पेशल एडिशन. इसलिए ये पिक्चर भी ये डॉल ड्रेस वाला है. सो एक्चुअली वो चाहते थे कि वो सरप्राइज रखे बट बिकॉज उनको ये सारी चीजें करनी थी दे हैड टू टेल मी. आई वाज लाइक हो क्या रहा है, बट देन इट्स वेरी वेरी स्वीट. थैंक यू सो मच, थैंक्स टू माय एंटायर टीम. और हम देख रहे हैं यहां पे कि आपके मॉम डैड ने भी आपको लाइक ऐसे प्रिंसेस बना दिया है, डॉल बना दिया है. तो तकरीबन कितना टाइम लेती हैं आप अपने आप को ऐसे प्रिपेयर होने में? सी मैं झूठ नहीं बोल सकती, आपने देख ही लिया. टाइम तो बहुत थोड़ा सा लगता है, कितना टाइम लगता है? टाइम लगता है सम टाइम. अभी ये जो हेयर स्टाइलिंग है ये मतलब एक्चुअल स्टाइल ये थी या तो शेप देने में टेक्स टाइम? नो एक्चुअली आई फील अभिषेक के बाद बिकॉज घी भी यूज होता है तो वो सब कुछ बाल से निकालना, दूध दही, तो वो सारी चीजें निकालना ज्यादा टाइम टेकिंग होता है. सो बर्थडे में आई फील आई मैं एक्चुअली प्रिंसेस की तरह लाइक फुल ऑन माय ओन स्वीट टाइम. और ये सेलिब्रेशन आप मतलब पूरे दिन शाम तक रात 12 बजे तक चलने वाला है. सो अब और क्या क्या एक्टिविटीज हमें देखने को मिलेंगी या क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग? छोटा सा गेट टुगेदर है घर पर शाम को बिकॉज करेक्ट उसमें हम केक कट करेंगे एंड जो एक बेसिक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग बर्थडे है वो होगा डेफिनेटली. एंड आपकी एक फिल्म भी आने करने वाली है आप जी 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 साउथ की है जी, थोड़ा सा जरा उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें. एक हिंदी फिल्म है जो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुई है बट हम 60% फिल्म शूट कर चुके हैं. इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओपन सीक्रेट अब बट आई एम वेटिंग कि आप लोग वो फिल्म देखें. मैं इनफैक्ट वेट कर रही हूँ कि थिएटर्स अब ओपन अप हो जाए बिकॉज इस पूरे फेज में रियली मिस्ड बीइंग इन द थिएटर. तो वो ही चीज़ है. साउथ की कुछ फिल्म्स हैं जो मैं कर रही हूँ तो वो रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और आपके
मॉम डैड से जानना चाहेंगे कि इनके जो भी अपकमिंग प्रोजेक्ट होते हैं उसके उसका कितना बेसब्री से इंतजार होता है आप लोग को? बहुत होता है, बहुत, बहुत मुझे तो बहुत बहुत ज्यादा होता है। आई एम लाइक एन एक्साइटेड चाइल्ड, जल्दी से मैं रिलीज हो, मैं देखना चाहती हूँ। इंतजार, उसके अलावा कुछ नहीं होता, बस डेस्परेशन होता है। चलिए दिगांबर जी, जाते आते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? थैंक यू, दिल से बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग बहुत स्पेशल स्पेस होल्ड करते हैं मेरे दिल में, मेरी लाइफ में, एंड डॉल इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स। आई मीन आई डोंट थिंक आप लोग कोई भी कसर छोड़ते हैं टू मेक मी फील स्पेशल। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। आई होप कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी आपको हमेशा एंटरटेन करती रहूँ। थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी बिटिया के सारे फैंस हैं वो मैं भी उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि वो हमेशा अपना प्यार बनाए रखें। हाँ, मैं भी दिगंगना के सभी फैंस को थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि दिगंगना के फैंस इसी तरह से प्यार करते रहें। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को सब लोग दिल से प्यार करते रहें, सबका प्यार आशीर्वाद उसे हमेशा मिलता रहे, क्योंकि हमारे लिए बहुत स्पेशल है। जो दिगंगना को प्यार करता है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता है। थैंक यू सो मच अगेन, विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे दिगंगना जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सच इज